सर आपका नाम? डॉक्टर संतोष ओचार, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। सर ये आप जो है दिल्ली के अंदर आए हैं, तो आपकी क्या डिमांड है, किन डिमांडों को लेकर आए हैं आप? हम लोग आयुष के डॉक्टर हैं, जिसमें होम्योपैथी आयुर्वेद यूनानी के डॉक्टर आते हैं। हम लोगों की एक डिमांड है, वो डिमांड इस तरीके से है कि अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, मतलब जो पार्लियामेंट है अपनी, वो पार्लियामेंट में एक NMC नाम का बिल आया है, जो बिल हम लोगों के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में कुछ भाषित करता है। उस बिल में हम लोगों के लिए एक ब्रिज कोर्स है, जो ब्रिज कोर्स करने के बाद हम लोगों की जो प्रैक्टिस है मॉडर्न मेडिसिन की, उसको रेगुलाइजेशन करना हमारा काम है। तो इसके लिए हम लोग सारे देश से, जो भी मोदी सरकार ने बिल लाया है अभी, उस बिल के समर्थन के लिए यहाँ पे स्वाभिमान समर्थन रैली का आयोजन किया है। हम लोग चाहते हैं कि जो NMC बिल में अभी ब्रिज कोर्स आया है, उस ब्रिज कोर्स को सरकार जैसे कि जैसे स्थायी रखे। और अभी इस वक्त क्या हुआ है कि जो NMC बिल में ब्रिज कोर्स का प्रावधान है, उसको पार्लियामेंट में जब लाया गया उस बिल को मंत्रिमंडल की तरफ से, तो उस वक्त उसको IMA ने जो विरोध किया, IMA के विरोध के कारण उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ भेजा गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अभी उसके ऊपर विचार कर रही है। तो हम लोग यहाँ इस मंच के माध्यम से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, जो IMA है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ये ब्रिज कोर्स का क्या मना कर रही है या मतलब उसको लाना नहीं चाह रही है? IMA उसका क्या कर रही है हम लोगों को मालूम, लेकिन जहाँ तक हमको खबर है वो लोग इस ब्रिज कोर्स का विरोध कर रहे हैं सर। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो हेल्थ सिस्टम के बैकबोन है, हम लोग 80% लोगों को, देश के 80% लोगों को हम लोग सर्व करते हैं, हम लोग यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य देते हैं। इसलिए मोदी सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो यहाँ के पब्लिक के हेल्थ के हिसाब से लिया गया है, क्योंकि IMA के डॉक्टर जो है वो 28% लोगों को ही सर्विस दे पाते हैं। वो स्लम्स में जाते नहीं, वो रिमोट में जाते नहीं है, वो रूरल एरिया में जाते नहीं। और जो हमारे आयुष के डॉक्टर है, जो 7.5 लाख के ऊपर संख्या में देश में है, वो लोग 80% लोगों को सर्व करते हैं। या आज की कंडीशन ऐसी है कि देश के जो सब सेंटर्स है, PHCs है, वहाँ पर भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। इस वक्त हमारे आयुष डॉक्टर वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको रेगुलाइजेशन का काम मोदी सरकार ने किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो ब्रिज कोर्स है, NMC बिल में जो आया हुआ ब्रिज कोर्स है, उसको बरकरार रखा जाए और सारे के सारे आयुष को ब्रिज कोर्स दे के रेगुलराइज किया जाए। लेकिन डॉक्टर संतोष जी MBBS में एडमिशन लेते हैं उस समय, फिर उसमें एक शपथ पत्र लिया जाता है स्टूडेंट से कि आपको 1 साल या मतलब 6 साल आपको रूरल इलाके के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी। आप अगर कुछ सालों का डाटा लेंगे सर, तो आपको मालूम होगा कि MCI जो है, जो पेरेंट बॉडी है IMA वालों की, वो बॉडी फेल्यूर हो चुकी है सर। क्योंकि उस बॉडी ने जो भी लोग MBBS करते हैं उनके बाद जो कोर्स होता है, वो कोर्स भी करने के लिए बाध्य नहीं कर पा रहे उनके इंटर्नशिप को। पिछले कई सालों से हमको मालूम है कि कई 1000 करोड़ जो उनके ऊपर फाइन लगाए, उन्होंने इंटर्नशिप नहीं की, वो अभी तक उनके ऊपर है। और यही करप्ट बॉडी जो है, इसी के कारण सरकार ने डिसीजन लिया है कि MCI, हमारी जो होम्योपैथी है उसकी CCH और जो IMA की CCIM बॉडी है, इन सब करप्ट बॉडियों को डिस्कार्ड करें और वहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ हेल्थ, नेशनल कमीशन ऑफ जो बिल आया अभी वो NCH, और उसके बाद में सारे के सारे जो काउंसिल्स हैं उनको डिपार्ट करके एक नया रिफॉर्म्स या हमारी जो नई सरकार है वो लाना चाहती है हेल्थ सिस्टम में। आपका नाम? जी मैं डॉक्टर सुरेखा फासे, मुंबई महाराष्ट्र से। आप मैडम क्यों आई हैं यहाँ पर? आपको तो प्रैक्टिस करने के लिए बॉम्बे जैसा क्षेत्र से भी बॉम्बे में जाते हैं आप, ये रामलीला मैदान के अंदर आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जी आप बॉम्बे के बड़े बड़े सिटीज़ में भी देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ के जो स्लम्स एरिया है वहाँ पर आज भी MBBS डॉक्टर की तादाद काफ़ी कम है, और हम लोग वहाँ पर अच्छे से अच्छे अपनी सेवाएँ मुहैया कर रहे हैं। आप IMA का विरोध तो कुछ समझने वाला जैसा नहीं है, जैसे कि आपने अभी सवाल पूछा। उनके अस्पतालों में आप जाके देखेंगे, काफ़ी बड़े बड़े अस्पतालों में वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स ही सर्व कर रहे हैं। तो ये जो दुहैया नीति है IMA की कि उनके अस्पतालों को हम संभालें, वहाँ पे ICUs को संभालें, और यहाँ पर आके वो खुले में हम लोगों का विरोध करें, तो ये जो विरोधाभासी है उनकी भूमिका ये समझने जैसी नहीं है। आप भी इस बात की तहकीकात कर सकते हैं। और लगभग आज 60% जो जनता है हमारी गाँव में रहती है, कस्बों में रहती है, वहाँ पर भी आप ढूंढ के देखेंगे कि कितने MBBS डॉक्टर मिलते हैं, तो वहाँ पर ये आयुष के डॉक्टर्स ही सेवाएं दे रहे हैं। और इस बात का काफ़ी सारे रिपोर्ट्स, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के कई सारे रिपोर्ट्स हैं, कई सोशल रिफॉर्मिस्ट है जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी सर है, मीनाक्षी गौतम है, डॉक्टर अभय बंग है, इन सब ने काफ़ी स्टडीज़ करके ये सब सुझाव सरकार को ऑलरेडी दिए हुए हैं। शायद इन सब स्टडीज़ के बाद ही सरकार इस निष्कर्ष पर आई है कि आज ये जो लाखों में तादाद है आयुष डॉक्टरों की, वो मेन स्ट्रीम हेल्थ सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं।
और हमारी देश की जो व्यवस्था है, हेल्थ सिस्टम है, उसको अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डॉक्टर, ये आप होम्योपैथिक के अंदर जैसे इमरजेंसी कोई घटना हो जाती है किसी पेशेंट के साथ में, क्या इस तरीके की होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इमरजेंसी मेडिसिन है? जैसे सपोज करो कि अगर किसी के पेट में दर्द हो जाता है तो उसको या तो ली 52 या बोबरान टैबलेट वगैरह देके वो कर देते हैं, या होम्योपैथिक में है क्या? होम्योपैथी एक अपनी सिस्टम है, उसके वो भी बहुत अच्छी प्रभावशाली है, लेकिन हर सिस्टम के अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो ऐसी कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में जहाँ होम्योपैथी सिस्टम, जैसे आप देखेंगे गांव में कोई किसान खेत में गिर गया है, उसको जख्म हो गई है, चोट लग गई है, और कहीं कहीं किलोमीटर तक कोई अगर MBBS डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे हालात में उस होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनर्स को भी ये ज़रूरी होगा कि कम से कम उनका ड्रेसिंग करे, टीटी का इंजेक्शन लगाए। तो इन सब चीज़ों की जो हमें कानून कोर्स पे मान्यता नहीं है, और सरकार ने ये ब्रिज कोर्स में उसी चीज़ का प्रावधान किया है कि कुछ इमरजेंसी जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल हमको सिखाया जाए, और हम इस बात को ताकि सारी चीज़ें सिखाई जाए। सही बात। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर सुनील टाकरकर हूँ, कोर कमेटी मेंबर हूँ, महाराष्ट्र से, पुणे से हूँ। तो जो इमरजेंसी जो आपने बोला है सर जी, इमरजेंसी ये कोई पैथी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये किसी पैथी के तहत नहीं आता है। अगर यहाँ पे हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जहाँ पे यातायात की कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे कहीं ना कहीं प्राथमिक आरोग्य केंद्र भी है उसमें भी MBBS डॉक्टर मुहैया नहीं है, जो कि सरकारी तहत आता है। प्राइवेट में चल रहा है तो MBBS डॉक्टर रिमोट एरिया में नहीं काम कर रहा है। 28% जो डॉक्टर्स है वो खाली, 78% जो पॉपुलेशन है इंडिया की जो गांवों में बसती है वहाँ पे नहीं है। वो 78% MBBS डॉक्टर से जो एलोपैथिक डॉक्टर से वो सेवा दे रहा है 24% सिटी एरिया को। ये जाएंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पे बहुत महंगी सेवाएं आपको मिल रही है, ये सिटी के अंदर सब कुछ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो गाँवों को छोड़ दिया जाए भैया, भारत जो है वो गाँवों में बसता है। कई सालों से, आज नहीं कई सालों से, क्या हमारे इंडिया में डिलीवरीज नहीं हो रही है? क्या हमारे इंडिया में कोई इमरजेंसीज नहीं हो रहे? क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे? क्या होम्योपैथिक डॉक्टर इतने सालों से अगर उधर ट्रीटमेंट दे रहे, बशर्ते कि उसमें कोई भी कानूनन, उसमें कोई भी कानूनन उनको सपोर्ट नहीं है, ये करने की कोई परमिशन या कोई कोर्स या एज सच उसमें नहीं है। पर ऑन ह्यूमैनिटी बेसिस जी, हम डॉक्टर है, मेरे पास आने के बाद अगर किसी की हड्डी टूटी है तो आई डोंट से कि मैं ऑर्थोपेडिशन नहीं हूँ, मैं उसको ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। पर अगर वो कहीं ना कहीं पर ग्रेवियस केस है तो मुझे वो देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट है मेरे पास आएगा सर, तो उसको अगर अस्थमा का अटैक हुआ है तो अस्थमा का अटैक के बाद में उसको सांस लेने में तक दिक्कत है, उसमें अगर जगन मान्य जो है मॉडर्न सिस्टम बोल रहा हूँ, जो कि एलोपैथी वगैरह नहीं है, कि उनको नेबुलाइजेशन देना है, डियोलिन का नेबुलाइजेशन देना है, तो ये हमारी होम्योपैथी के तहत नहीं आता। तो वो स्टेटस अस्थमेटिस के पेशेंट को हम गाँव में वहाँ से 15-20 किलोमीटर के बाद में बोलो या 100 किलोमीटर के बाद में बिना यातायात के उसको वहाँ पर कैसे शिफ्ट कर सकते, उसकी जान जाने वाली है। इसलिए और ह्यूमैनिटेरियन तौर पर हम आज तक ये सेवाएँ दे रहे, लेकिन आज की कंडीशन ऐसे हो गई है, हम दोरी कैची में फंस गए। आज तक हम कर रहे तो ह्यूमैनिटेरियन तर्ज पे कर रहे थे, हम होम्योपैथी नहीं दे रहे, ऐसे नहीं, हम पूरी तरह से होम्योपैथी दे रहे। हाथ जोड़ के मैं सबको बोल रहा हूँ कि ये पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि हम होम्योपैथी डॉक्टर और होम्योपैथी नहीं दे, हम होम्योपैथी दे रहे। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो कि पूरी दुनिया ने WHO ने भी मान्य किया है कि इन चीज़ों का जो भी एजुकेशन है वो आपके गाँव देहात के लोगों को देके भी आपने हेल्थ सिस्टम को बढ़ाना है, अच्छा रखना है। चाइना से लेके अदर बहुत से रिफॉर्म्स ऐसे आए हैं जहाँ पे नॉन फिजिशियन क्लिनिकल से लेके वो ऑप्टोलॉजी से लेके सब चीज़ें कर रहे, ये कहीं ना कहीं पे समाज की नीड पे डिपेंड करता है। और वो समाज की नीड पिछले कई सालों से हम बिना कोई कायदे का सपोर्ट रहते हुए भी कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन तौर पे कर रहे हैं। ये होम्योपैथिक पे अभी पेशेंटों को विश्वास नहीं है जितना एलोपैथिक पे है। देखो बात ऐसी है, ये दूसरी चीज़ है, ये गलत चीज़ है। होम्योपैथी का जो है वो साइंस है, उसको सर्टन बीमारियों में जो है वो बहुत अच्छा है। कैंसर में अगर आप जाओगे तो सर्टन स्टेज के बाद में कैंसर को कोई ट्रीटमेंट बचता नहीं है, वो पेशेंट होम्योपैथी में आता है और वो उसके बचे हुए साल जो है वो अच्छे से निकालता है। सब कैंसर के बारे में जो रिसर्च है उसमें होम्योपैथी अच्छा है, आप देख सकते हैं। आयुष के अंडर भी कई कैंसर रिसर्च सेंटर अभी आज होम्योपैथी के काम कर रहे हैं। तो इस पर विश्वास नहीं है, ये बात खत्म हो गई। दूसरी बात तो ये है कि जो भी केरला हो गया, आंध्र, बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग सर इंजेक्शन देने के लिए तो तैयार ही नहीं है, वहाँ पे केवल होम्योपैथिक सिस्टम ही है जो चल रही है। ये फर्क पड़ता है उस जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उधर ज़रूरत है कि ये इमरजेंसी से लेके जो चाहिए लोगों को हेल्थ के बारे में वो उधर मुहैया कराना, वो देना। जैसे बिहार में हो गए सर, आप जाओगे तो 30,000 पॉपुलेशन को एक डॉक्टर देखता है,
तो वो जो भी इंसान उधर सुई लगाता है सर, वो डॉक्टर भी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं पे हम जो डॉक्टर है वो ये मांग कर रहे हैं कि इतने सालों से हम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आज कोई तो भी अच्छी अच्छी चीज़ लेके आया है कि आपको कहीं ना कहीं पे संवैधानिक अधिकार हम आपको मुहैया करें। हम नहीं बोल रहे कि पूरी तरह से दे दो, हम बोल रहे कि हमारी ट्रेनिंग लो, बकायदा हमको एजुकेशन दो और टफेस्ट टू टफेस्ट एग्जाम दो, उसके बाद में हम निकलेंगे तो हम वो करेंगे, नहीं तो हम उसमें कोई डिमांड नहीं। होम्योपैथी को खत्म करने के बारे में हम सबको ये तो अलाउ करने के बारे में नहीं बोलेंगे, पर इमरजेंसी के सर्टन चैप्टर्स जो है वो डेफिनेटली किसी भी पाथी में हो गए तो वो ऐड होने ही चाहिए। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया में डिफेबुलेट भी करना है तो वो ले मैन को करने के लिए अलॉट किया जाता है, वो इंसान वहाँ पर देता है। और हमारे इंडिया में इसके उल्टी परिस्थिति है कि जो डॉक्टर्स है आयुर्वेदिक होम्योपैथी को वो उनको अलाउड नहीं किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पे आज देखो 108 एम्बुलेंस हो गया जहाँ पे कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं जो आपको सेवाएं दे रहे हैं, जो कि लेके जा रहे हैं सब इमरजेंसी सिस्टम को वो कैरी कर रहे हैं। और ये इमरजेंसी सिस्टम में कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि जो आपको उठा के उस सीनारियों से लेके आगे लेके जा रहा है, उसमें उसको ऑक्सीजन से लेके इमरजेंसी ट्रीटमेंट से लेके सब दे रहे। और ये सक्सेसफुल स्टोरी 21 स्टेट्स में आप देख रहे हो, इसके पूरे डाटास है। सर आपका नाम? डॉक्टर बालाजी मोरे फ्रॉम नांदेड। तो सर ये ब्रिज कोर्स जो कितने मंथ का है, कितने साल का है? ब्रिज कोर्स अभी 6 महीने का बोल रहे हैं मगर 1 साल का हो जाएगा। इसमें जो 80% लोग जो होम्योपैथी हमारे आयुष डॉक्टर्स है 80% लोग जो है खेड़े पाड़े में जाके प्रैक्टिस करते हैं, बाकी खाली 20% MBBS जो भी आप बोलते हो एलोपैथिक वगैरह ये सिटी में प्रैक्टिस करते हैं। जो खेड़े पाड़े में छोटे छोटे गाँवों में कस्बों में जाता है बेचारा, वो हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर है, 60 साल से वो प्रैक्टिस करता है बिना कोई उसको कायदे कानून का कोई भी सपोर्ट नहीं होते हुए अभी तक वो लड़ रहा है उसके इसके लिए। तो आज गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है उसको समर्थन देने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सर आप समर्थन दे रहे हैं फिर रैली भी निकाल रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक तब आप गवर्नमेंट को समर्थन देने के लिए यहाँ बहुत तादाद के अंदर आए हैं फिर आप रैली निकालेंगे जबकि दिल्ली के अंदर 144 धारा है। तो रैली नहीं निकलेगी सर, 144 है तो रैली नहीं निकलेगी, नहीं खाली उनको समर्थन देने के लिए हम सब यहाँ जी इकट्ठा हुए हैं, रैली तो नहीं निकलेगी सर। सर हाँ आपका नाम? मैं डॉक्टर दत्तेश महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। एक पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के समर्थन में मोर्चा निकालना पड़ रहा है, अभी तक का तो आपने देखा है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है किसी के इसके होता है, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो जनता के लिए स्कीम लाई है उसको वो बहुत अच्छी है, वो पेरीफेरी तक हेल्थ फॉर ऑल पहुँचाने वाली है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारा समर्थन है। आप बोलेंगे अब समर्थन की क्या जरूरत है, तो इसमें कुछ लोग एक कोर्स के लिए अड़ा रहे। फिलहाल ऐसा है कि भारत में कोई एजुकेशन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही हम 5.5 साल का एजुकेशन ले चुके हैं, फिर और को हमको गवर्नमेंट और 1 साल और 6 महीने का और एजुकेशन दे के ये अधिकार प्रोवाइड कर रही है, तो ये हमारा अधिकार है। एजुकेशन का तो सबका अधिकार है, तो एजुकेशन होने के बाद हमको परमिशन मिल रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा निर्णय लिया है। और गवर्नमेंट को चाहती है कि हेल्थ फॉर ऑल पूरे पेरीफेरी तक हेल्थ पहुंचना चाहिए, तो उतने डॉक्टर्स गवर्नमेंट के पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो ऑलरेडी 5.5 साल पड़े हुए डॉक्टर है उनको और 1-6 महीने की ट्रेनिंग दे के उसको बराबर से जो पेरीफेरल या रूरल एरिया में वो मैनेज कर सके, ऐसा एक डॉक्टर गवर्नमेंट तैयार करना चाहती है, तो वो बीच में जो IMA वाले लोग से है उसको अपोज कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हो, गवर्नमेंट का फैसला जनता के लिए अच्छा है, उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार है, हम डिवोशन लेके काम करेंगे। पहले ही हम 5.5 साल सीख चुके हैं और 6 महीने सीखने की हमारी इच्छा भी है और जनता की सेवा करने की इच्छा है, इसलिए गवर्नमेंट के समर्थन में मोर्चा है। तो अभी तक आपने कभी देखा नहीं है कि गवर्नमेंट के समर्थन में मोर्चा, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर मनीषा जाधव, मैं मुंबई से हूँ और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम यहाँ पे जो बंधु और ये सब आए हैं ये सब जनरल प्रैक्टिस करते हैं, और गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है NMC नेशनल कमीशन मेडिकल बिल, ये हेल्थ के लिए है। अगर आप मुंबई में भी जाओगे, पहले हुआ करता था कि हमारे गली गली में MBBS डॉक्टर हुआ करते थे और हमारे फैमिली फिजिशियन हुआ करते थे। सर मैं आपको आज एक सवाल पूछती हूँ, आपके किसी भी रिलेशन में कोई MBBS डॉक्टर है जो दवाखाना खोल के बैठा है? नहीं है, हर एक स्पेशलाइजेशन में जाता है, परदेश में जाने की सोचता है। तब जब हमारा फैमिली फिजिशियन ही ख़त्म हुआ है, तो ये सब फैमिली फिजिशियन है, ये हमारे सब होम्योपैथिक बंधु है और सब बहना है, ये सब ये काम कर रही है। गली गली में आप मुंबई में भी जाओगे तो आपको कोई MBBS डॉक्टर जनरल प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखाई देगा, तो ये बहुत गलत बात है। तो हमारी गरीब जनता जाएगी कहाँ? वो हर बार बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं जा सकती, बड़े बड़े 5-स्टार हॉस्पिटल में तो नहीं
नहीं जा सकती, हर बार एमडी डॉक्टर के पास 500 रुपया देने के लिए तो नहीं जा सकती, तो ये गरीब जनता जाएगी कहाँ? अगर आप एनएमसी बिल में से होम्योपैथिक डॉक्टर को अगर आप कहते हैं कि ये बिल पास मत कीजिए, ये क्वैक्स है, इनको आप परमिशन नहीं दो, तो ये गरीब जनता कहाँ जाए सर? तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी सर? तो इसीलिए डॉक्टर साहब, ये क्या कारण है कि एलोपैथिक दवाइयाँ मेडिसिन है और इधर होम्योपैथिक मेडिसिन है? होम्योपैथिक एलोपैथी की अपेक्षा कुछ महंगियाँ होती हैं। सॉरी सर, जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो उनकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन होम्योपैथिक की मेडिसिन ज़्यादा कॉस्ट की होती है, इसीलिए होम्योपैथिक की तरफ आम पेशेंट नहीं जाता है। नहीं, होम्योपैथिक तो सबसे सस्ता है, होम्योपैथिक की दवाई बहुत सस्ती है और ये बहुत सरल है, होम्योपैथी में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन होम्योपैथी के भी कुछ अपने लिमिटेशंस है सर, एलोपैथी के भी लिमिटेशंस है, आयुर्वेदा के लिमिटेशंस है, होम्योपैथी के भी लिमिटेशंस है, तो क्यों ना हम ये हर जो मोदी सरकार ने अभी जो बिल लाया है, तो क्यों ना हम वी कैन टेक द गुडनेस ऑफ ईच एंड एवरी पैथी, हम बुराइयाँ क्यों सोचे सर, जब अच्छाइयाँ हम क्यों नहीं सोचे? क्यों ना हम एलोपैथी की अच्छी चीज़ ले, क्यों ना हम होम्योपैथी की अच्छी चीज़ ले, और क्यों ना हम आयुर्वेदा की अच्छी चीज़ ले? जहाँ ज़रूरी है हम एलोपैथी को रेफ़र करेंगे, जहाँ ज़रूरी है होम्योपैथी में रेफ़र करिए, जहाँ ज़रूरी है आयुर्वेदा में रेफ़र करिए, क्यों हमें झगड़ा करना है? तो हर एक पैथी के अपने अपने लिमिटेशंस है, इसीलिए तो ये कोर्स है सर कि आप ब्रिज कोर्स करो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप एलोपैथी भी दे दीजिए। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिनकर नाइक महाराष्ट्र के भिवंडी थाने से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को, मोदी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक जनता के हित में फैसला लेकर उन्होंने ये एनएमसी बिल में ब्रिज कोर्स का जो प्रावधान किया है, एक क्रांतिकारी कदम कहूँगा मैं भारतीय आरोग्य व्यवस्था के लिए। एक्चुअली आपको पता रहेगा कि दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भारत में आरोग्य व्यवस्था की काफ़ी बिगड़ी हालत है, लेकिन भारत सरकार ने जो ये नया BHMS BMS डॉक्टर्स के लिए ब्रिज कोर्स का जो प्रावधान किया है, इससे भारतीय आरोग्य व्यवस्था को एक नव संजीवनी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं कि BHMS BMS डॉक्टर को एलोपैथी का नॉलेज नहीं है या फिर वो कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूँ कि आज भी IIM के डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स है उसमें 80-85% जो रेसिडेंट डॉक्टर है, जो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे आयुष डिपार्टमेंट के BMS BHMS डॉक्टर्स है। तो इसीलिए सरकार को ये सभी बातों का नॉलेज है, इसके लिए सरकार ने जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया है, आज तक जो BHMS BMS डॉक्टर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं एलोपैथी, एक उसको कानूनी पायजामा पहना जाए, इसके लिए उन्होंने ये ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र में तो फार्माकोलॉजी के तहत ये कोर्स चालू भी हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश IIM का संगठन जो है इसको विरोध कर रहा है, लेकिन हम सरकार को मजबूती से समर्थन दे रहे कि आप इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से भारतीय जो आरोग्य व्यवस्था है उसमें संजीवनी लाई जाए और लोक हित के लिए है। इसलिए हम सभी BHMS BMS BUMS जो भी डॉक्टर्स हैं आयुष डिपार्टमेंट के, हम सभी सरकार के इस फैसले के साथ में हैं और इसका पुरजोर समर्थन करते हैं।